मुरादाबाद में खनन माफियाओं की दबंगई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया है और आनन फानन में पुलिस ने खनन माफियाओं के 2 दर्जन ट्रकों को सीज कर दिया। मुरादाबाद जनपद के 2 थाना क्षेत्रों में हुई इस कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के एक्शन के बाद खनन माफिया फरार है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह ट्रकों को इशारा करके खनन माफिया उन्हें पास करा रहे हैं और ट्रक भी काफी तेज रफ्तार से वहां से पास हो रहे हैं। खनन माफियाओं ने पुलिस की मौजूदगी में दबंगई दिखाते हुए जबरन ओवरलोडेड ट्रकों को हाईवे से निकाला था, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। खास बात यह है कि पुलिस अधिकारी कैमरे पर साफ झूठ बोल रहे हैं कि ट्रकों को निकाला नहीं जा रहा था, बल्कि उन्हें थाने ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि खनन माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, एसएसपी मुरादाबाद एसएसपी महोदय द्वारा अभियान चलाया गया है, जिसके तहत मुरादापांडी और मराठे थानों में लगभग 18 तो मराठे में ट्रक पकड़े गए हैं और 6 मुरादापांडी में पकड़े गए हैं। इसमें खनन अधिकारी की टीम डाली गई है, आरटीओ भी आ चुके हैं और जिसमें कई धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है, जैसे ओवरलोड में और लोक संपत्ति विवाद अधिनियम की धाराएं इसमें लगाई जा रही है। असल यह भी देखा आया था कि जो वीडियो सोशल साइट पे अपलोड किया गया था, उसमें कुछ खनन माफिया पुलिस की मौजूदगी में ट्रकों को निकलवा रहे हैं और दबंगई दिखा रहे हैं, क्या उन खनन माफियाओं के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई है? नहीं, उसमें थोड़ा ये देखना है कि वो निकलवा नहीं रहे बल्कि वो थाने पर ले जाया जा रहा है और किसी ने उसे गलत किया है, वो थाने पर ले जाया जा रहे हैं वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से। कुछ हादसे भी हुए हैं खान के ट्रकों से कब शाम से मेरठ में, मुरादापांडी में बताया जा रहा है कुछ वाहनों को टक्कर भी मारी है ट्रकों ने। मेरठ में कल एक घटना हुई थी, लेकिन वो ट्रक में से हुई थी, बाकी ट्रक में से हुई थी, एक बाइक अचानक सामने आ गई जिसकी वजह से अचानक ब्रेक दी गई थी जिसमें ट्रक पलट गया था, ये घटना हुई थी, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। ये अब लगातार इसको निगरानी की जा रही है और जल्दी जो भी निकलेगा उसमें कार्रवाई की जाएगी।